डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव स्मृति सेवा प्रकल्प के तत्वाधान में मंगलवार को निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन बख्शीपुर स्थित उनके आवास पर किया गया, जिसमें गोरखपुर के आसपास क्षेत्रों के करीब 800 मरीजों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें विभिन्न बीमारियों के 750 मरीजों को शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों ने परामर्श दिया। साथ ही मुफ्त दवाइयां भी दी गई। इसके अलावा खून व पेशाब से संबंधित जांच की गई और मरीजों को रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान कुछ रोगों के लिए ऑपरेशन की भी सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रही। शिविर में डॉक्टर वजाहत करीम, डॉक्टर सी बी मदेशिया, डॉक्टर एस एम सिन्हा, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, डॉक्टर राजेश यादव, डॉक्टर आसिफ मसूद, डॉक्टर हर्षवर्धन राय, डॉक्टर त्रिलोक रंजन, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर अमिताभ उपाध्याय, डॉक्टर अभिलाष श्रीवास्तव, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर मनोज मल्होत्रा, डॉक्टर अमित सिंह समेत अन्य चिकित्सकों ने सहयोग किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिविर की आयोजक व स्वर्गीय डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव की धर्मपत्नी अनुपम श्रीवास्तव ने कहा, कौन सी दवा खाती है? बोले बहुत दिन से दवा चल रही है, पचल आए बता दीजिए बोलने से किसका हो रहा है। मेरा नाम अनुपम श्रीवास्तव है, मैं डॉक्टर रजनीकांत की धर्म पत्नी हूँ। ये डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव की प्रथम पुण्यतिथि है, उन्हीं की स्मृति में ये लगाया गया है। और हमारे यहाँ सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर जो नामचीन डॉक्टर हैं वो सब लोग मरीज़ देखे हैं। और प्लास्टिक सर्जरी विभाग में डॉक्टर आसिफ मसूद, डॉक्टर सर्जरी के विभाग में डॉक्टर वजाहत करीम, डॉक्टर गजारा रुक्षी, हर्षवर्धन राय, और ENT डिपार्टमेंट में डॉक्टर राजेश यादव ने देखा है। और बच्चों वाले डिपार्टमेंट में डॉक्टर एस एम सिन्हा बैठे थे, डॉक्टर तुषार सिन्हा वो बैठे हैं, हड्डी विभाग में डॉक्टर अभिलाष श्रीवास्तव डॉक्टर रजनीकांत के सुपुत्र हैं, वो भी देखे हैं मरीज। और आँख में डॉक्टर अनिल ने पूरा देखा है और सब ऑपरेशन फ्री कर रहे हैं। सारी दवाई भी उन लोगों को फ्री दी गई हैं और सर्जरी भी आँख वाले डॉक्टर राजेश यादव ने भी कॉकलियर इम्प्लांट फ्री किया है। और इसके अलावा डॉक्टर आसिफ मसूद ने भी ऑपरेशन किया है, वो भी फ्री कर किए हुए हैं। और सारी जाँचें भी फ्री की गई हैं और जितने भी डॉक्टर हैं सारे फ्री में निःशुल्क परामर्श लिए हैं और सब लोगों ने देखा है। कितने मरीज आए होंगे? करीब 850 मरीज आए थे और 700 करीब रजिस्ट्रेशन था। आज यहाँ पे भी कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।